अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए हेडलाइंस। कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा हमें मुल्की मईशत को मजबूत बनाना होगा। साबिक हुकूमतें मुल्की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रही, हम स्माल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसीज लेकर आए हैं, रुकावटें खत्म कर दें, अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। जो पैकेज आज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को दे देना चाहिए था। पहले ही एमनेस्टी को इस तरह ओपन नहीं देना चाहिए था, बल्कि डायरेक्ट इंडस्ट्री को एमनेस्टी देनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म पर तनकीद के तीर चला दिए, कहा इमरान खान ने रोना शुरू कर दिया, इतना बुज़दिल इंसान कभी देखा है, अवाम का एतमाद उठ गया, अब इनसे पार्लियामेंट का भी एतमाद उठ जाना चाहिए, बिजली पेट्रोल सस्ता करने का ड्रामा नहीं चाहिए, ये कठपुतली तमाशा नहीं चलेगा, अब सिर्फ तीर चलेगा। अवामी मार्च से कप्तान झुक गया, डर गया, पता नहीं इस्लामाबाद पहुँचने पर पेट्रोल और बिजली कितनी सस्ती हो जाए। सो सुनार की एक लोहार की, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वजीर आजम के खिताब पर तबसरा, अपोजिशन को भी निशाने पर रख लिया, ये लोग अपने हसद में जलकर खुद ही खाक हो जाएंगे, चाहते हैं अपोजिशन भाग दौड़ करके थक जाए फिर कुछ करेंगे। मरियम नवाज के जरदारी के हवाले से ख्यालात सबके सामने हैं, इत्तेहादियों के साथ रابطे हैं, MQM और काफ लीग से जल्द मुलाकात होगी। इत्तेहादियों और पार्टी अरकान से अहम मुलाकातों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए, चौधरी बरादरान से मुलाकात का इम्कान, बल्दियाती इंतखाबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी, सनतों के मुतल्लिक भी अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपए सस्ते, पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे मुकर्रर, डीजल की कीमत 144 रुपए 15 पैसे हो गई, मट्टी का तेल 1 रुपए, लाइट डीजल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो पर मार्च के लिए हकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम, कहा सिंध हकूमत ने जलसा गांव में पानी छोड़ दिया, हम 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, आसफ अली जरदारी 15 साल में सिंध का हिसाब दें, सिंध हकूक मार्च लाड़काना से नवाब शाह जाएगा, अली जैदी ने कहा तसादम नहीं चाहते इसलिए रूट का रास्ता बदल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च रवा दवा, बिलावल भुट्टो की क्यादत में काफिला आज मोरो से सखर पहुंचेगा, बिलावल कुछ देर बाद खिताब करेंगे, वजीर इत्तला'आत सिंध सईद गनी ने हकूमती वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, बोले हो सकता है ये मार्च इस्लामाबाद पहुँचे तो पेट्रोल 40 रुपये फी लीटर हो जाए। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से तमाम पार्टियों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का मुतालबा, वजीर मुमलकत फरक हबीब ने कहा पीपल्स पार्टी JUI और नून लीग ने फंड्स कहां कहां से लिए वाजिया है, बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च छोड़कर 12 अकाउंट्स का जवाब दें, नवाज शरीफ बाहर से पैसा लेकर ही बीबी की हुकूमत गिराने की कोशिश करते रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ो गज़ब समझ में आता है, मीडिया जब इन्हें आईना दिखा रहा है तो इसके खिलाफ हो गए। हित के इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है, वजीर आजम के खिताब से लगा इन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया, चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला के पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स, कहा FIA के पास इख्तियार नहीं कि वो निजी फ्रेकैन के माबैन मसला को देखें, यहाँ तो कानून नाफज ही नाकदीन के खिलाफ किया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को पहले से जेरे अल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम को हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दी गई है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने स्टेडियम के पास 5-स्टार होटल बनाने की हदायत की है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आई, इंग्लैंड की टीम भी आएगी, न्यूजीलैंड भारतीय साजिश का शिकार हुई, गुज़िश्ता रोज भारत ने जो मज़मूम कोशिश की वो नाकाम हो गई। ये थी NA हेडलाइंस, मजीद खबरों के लिए देखते रहें NA न्यूज़।